हत्या के प्रयास मामले में आरोपी मोनू मानेसर को कोर्ट से अब बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मोनू मानेसर के जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी है। सुनवाई के दौरान पुलिस ने मोनू की जमानत का विरोध भी किया था। पुलिस ने मोनू के फरार होने की आशंका भी जताई थी। हालांकि मोनू अभी जेल में ही रहेगा। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल राजस्थान चौक। वहीं आपको ये भी बताते चले कि पटौदी पुलिस थाना क्षेत्र में 6 फरवरी को पटौदी के बब्बर शाह मोहल्ले में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में मोहिन की कमर में गोली लगी थी। मोहिन के पिता मुबीन खान ने मोहित उर्फ मोनू मानेसर के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवाया था। मोनू मानेसर को नू पुलिस ने भड़काऊ भाषण के मामले में भी गिरफ्तार किया था। जी हाँ, नू में 31 जुलाई 2023 को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा हो गई थी। इससे पहले मोनू ने वीडियो जारी कर कहा था कि 31 जुलाई को वो ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होगा। उसने लोगों को भी इस यात्रा में शामिल होने की अपील की थी। इसके बाद नू से भी दूसरे समुदाय से मोनू मानेसर को सोशल मीडिया पर चैलेंज किया गया था। इसके बाद मोनू मानेसर का एक और वीडियो सामने आया था जिसमें कहा गया था कि बोला उसने कि आना ही पड़ेगा। इस केस में पुलिस ने मोनू मानेसर को आरोपी बनाया था। 16 अक्टूबर को नू कोर्ट मोनू को जमानत दे चुकी है। उसी दिन राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर को नासिर जुनैद हत्याकांड में प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गई थी। वहीं इसके बाद ही पटौदी थाना पुलिस इस मामले में मोनू को राजस्थान से लेकर आई थी, तभी से जेल में वो बंद है। पटौदी थाना पुलिस ने मोनू मानेसर के खिलाफ अदालत में धारा 307, 147, 148, 149 और 120 बी के तहत जो है आरोपी मानते हुए पटौदी अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। अब मोनू मानेसर को जमानत दे दी गई है। एसटीआर में तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल राजस्थान चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।